हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे हमारे इस लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ डीपीआर के बारे में। डीपीआर जो होती है उसे हम बोलते हैं डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो दोस्तों डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अगर हम बात करें, डीपीआर की हम बात करें, तो ये एक प्रकार का क्रिटिकल डॉक्यूमेंट होता है दैट आउटलाइन्स द की कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग इट्स फिजिबिलिटी, डिजाइन, कॉस्ट एस्टिमेट्स, फंडिंग सोर्सेज एंड टाइमलाइंस। तो ये एक प्रकार का, एक तरह से डॉक्यूमेंट, हमें कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसका एक डॉक्यूमेंट हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। उसका सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट फिजिबल है या नहीं है, उसकी डिजाइनिंग क्या रहेगी, उसकी कॉस्ट एस्टिमेट लगभग कॉस्ट कितनी आएगी, क्या क्या फंडिंग सोर्सेज होंगे, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा देगी, राजस्थान गवर्नमेंट कितना पैसा देगी, या अदर गवर्नमेंट कितना पैसा, स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा देगी, और उस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम समझते हैं एक हाईवे का प्रोजेक्ट आता है कि भैया आप देखिए कि आपकी जो सिटी है, सिटी ए से लेके सिटी बी तक जो है हाईवे है उसको, अपने को 4 लेन हाईवे है उसको 6 लेन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये एक तरह से एक प्रोजेक्ट है। अब उसके लिए हमें फिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि ये जो प्रोजेक्ट है क्या ये सच में फिजिबल है या नहीं है, क्या जो वहां पर लैंड अवेलेबल है या नहीं है, उसके बाद उसकी डिजाइनिंग क्या पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, क्या क्या उसकी कॉस्ट एस्टिमेट्स होंगे, कितने कॉस्ट एस्टिमेट होंगे, लाइक फिजिबल। अब मान लीजिए जरूरत ही नहीं है और आप उस रोड को जबरदस्ती चौड़ा कर दें, 6 लेन में कन्वर्ट कर दें, वहां ट्रैफिक का फ्लो इतना हो ही ना, या ट्रैफिक का फ्लो ज्यादा और एक्चुअल में रिपोर्ट हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसको जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करके सोल्व करने की तरफ काम करना होता है। और उसके लिए हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है जिसे हम बोलते हैं डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब क्या पर्पज है डीपीआर का, टू डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। तो इसे हम एक हाईवे के प्रोजेक्ट से समझेंगे, सिटी ए और सिटी बी के बीच में एक हाईवे हमें डेवलप करना है, या जो एग्जिस्टिंग 4 लेन हाईवे है उसे 6 लेन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें उसकी फिजिबिलिटी चेक करनी है कि वो जो प्रोजेक्ट है उसका फिजिबल है या नहीं है, और एक्चुअल में उसकी जरूरत है या नहीं है। ट्रैफिक फ्लो देखेंगे, अगर ट्रैफिक फ्लो एक लिमिट से ज्यादा हो रहा है तो हम फिर उसे 6 लेन में कन्वर्ट करने की तरफ आगे बढ़ेंगे या नया हाईवे बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एस्टेब्लिश प्रोजेक्ट स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम। तो हमें इस प्रोजेक्ट के स्कोप, ऑब्जेक्टिव और आउटकम जो एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। ठीक है, टू प्रोवाइड ए डिटेल्ड डिजाइन ऑफ द प्रोजेक्ट, जो भी आप हाईवे बनाने जा रहे हैं उसकी डिटेल डिजाइन बनानी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट आपको एस्टिमेट करनी पड़ेगी, लगभग कॉस्ट आपके, उसके फंडिंग सोर्सेज, जैसे फंड कौन करेगा, आप जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, या आप पीपीपी मॉडल के थ्रू आप काम करना चाहते हैं। टू स्टेबलाइज टाइमलाइंस एंड माइलस्टोन। तो आपको टाइमलाइंस और माइलस्टोन, जैसे मान लीजिए आपने 1 जनवरी को ये चालू किया, 1 जन को, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि 4 महीने में हमारा जो है 30 अप्रैल तक हमारा सर्वे क्लियर हो जाना चाहिए, है ना, अगले 1 तारीख तक हमें लैंड ऑक्यूपेशन वो क्लियर हो जाना चाहिए, उसके बाद 3 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाना, मतलब खत्म हो जाना चाहिए। तो इस हिसाब से आप कुछ टाइमलाइंस एंड माइलस्टोन डिवाइड करते हो या एस्टेब्लिश करते हो। टू आइडेंटिफाई रिस्क एंड मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। तो इसके अंदर कुछ रिस्क होंगे तो उनके लिए वो रिस्क को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसकी मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज उनके बारे में भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइए जानते हैं किसके बारे में, क्या क्या की कंपोनेंट्स है डीपीआर के। सबसे पहला आता है एग्जीक्यूटिव समरी, उसके बाद हम उसका एक जनरलाइज समरी हमें प्रोजेक्ट की देनी पड़ती है, प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन होता है, प्रोजेक्ट का ओवरव्यू और उसका क्या बैकग्राउंड है उसके बारे में हमें बताना होता है, ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट हमें बताने होते हैं कि भैया ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हमें 84 किलोमीटर लंबा हाईवे डेवलप करना है, इसके स्कोप्स बताने पड़ेंगे, डिटेल्ड प्रोजेक्ट डिजाइन मेथोडोलॉजी क्या डिजाइन रहेगी, कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड फाइनेंशियल ऑप्शंस आपको बताने पड़ेंगे, इम्प्लीमेंटेशन प्लान एंड टाइमलाइंस, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन प्लान, रिस्क एनालिसिस एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजी एंड कंक्लूजन। ये सारे के सारे पॉइंट मिलाकर जो है हमारी एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो रेडी होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव समरी। सबसे पहला जो पॉइंट है एग्जीक्यूटिव समरी, इस एग्जीक्यूटिव समरी में हमें ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट देना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स के बारे में हमें बताना पड़ता है कि जो हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, की कंपोनेंट्स के बारे में बताना पड़ता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड फंडिंग सोर्सेस के बारे में बताना पड़ता है, और इम्प्लीमेंटेशन की एक टाइमलाइन हमें बतानी पड़ती है। प्रोजेक्ट ओवरव्यू एंड बैकग्राउंड की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, उसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन, इस प्रोजेक्ट की नीड क्यों है, व्हाट इज व्हाई, मतलब इसकी जरूरत है। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे ए और बी सिटी के बीच में कोई हाईवे प्रोजेक्ट की, तो आपको यहाँ पर ट्रैफिक का एनालिसिस करना पड़ेगा, ट्रैफिक का सर्वे करना करवाना पड़ेगा, और अगर वो एक लिमिट से ज्यादा हो रहा है, वहाँ एक्चुअल जरूरत है, तो उसकी हमें जरूरत प्रूव करनी पड़ेगी।
डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट एरिया, प्रोजेक्ट किन किन दो सिटीज के बीच में रहेगा, किस पर्टिकुलर जैसे हेरिटेज हिल या किसी पर्टिकुलर एरिया में रहेगा, तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगा। हाईवे डेवलपमेंट का जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है तो उससे रिलेटेड क्या क्या पॉलिसीज एंड रेगुलेशन अवेलेबल है, क्या क्या गाइडलाइंस दी हुई है, क्या क्या कोडल प्रोविजन है, वो सारे के सारे पॉलिसीज और उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, सबसे पहले हम उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने पड़ेंगे, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट डिसाइड करना पड़ेगा, बेनिफिट एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स हमें बताने पड़ेंगे कि इस प्रोजेक्ट अगर हम यहाँ पर ये प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो इससे हमें ये फायदा होगा, इसके एक्सपेक्टेड आउटकम हमें ये मिलने वाले हैं, और टारगेट बेनिफिशियरी तो आप किसको टारगेट करना है, जैसे आप मान लीजिए पुअर पीपल के लिए कोई स्कीम लाते हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की आप कोई स्कीम लाते हो, ठीक है, मैंने हाईवे बनाने की कोई बात करी या नेशनल हेरिटेज के लिए, आप तो उसके लिए कौन कौन से बेनिफिट, कौन कौन से लोग जो है इससे बेनिफिशियरी होंगे, इसकी डिटेल भी आपको उसके अंदर देनी पड़ती है। डिटेल प्रोजेक्ट डिजाइन मेथोडोलॉजी, तो क्या प्रोजेक्ट की डिजाइन है, क्या स्पेसिफिकेशन है वो आपको बताना पड़ेगा, प्रोजेक्ट के टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से रिसोर्स रिक्वायरमेंट रहेंगे, और एक मेथोडोलॉजी फॉर इम्प्लीमेंटेशन कि सबसे पहले हम मान लीजिए ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड करेंगे, उसके बाद कॉन्ट्रेक्टर के लिए बिडिंग प्रोसेस करेंगे, बिडिंग के लिए मैनेजिंग प्रोसेस करेंगे, तो ऐसे करते करते आप एक मेथोडोलॉजी तैयार करते हैं और उसका एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट आपको इसमें करना पड़ता है। कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड फाइनेंसिंग ऑप्शन, तो जो भी प्रोजेक्ट है उसका डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेशन इसके अंदर आता है, मतलब आपको एक एक जो रुपए का हिसाब अपन बोले तो एक तरह से डिटेल आप कॉस्ट एस्टिमेशन करते हो, है ना, ब्रेक डाउन दी प्रोजेक्ट कॉस्ट, अब उस प्रोजेक्ट कॉस्ट को आप अलग अलग हिस्सों में ब्रेक डाउन करते हैं कि इनिशियल लेवल पे शुरू किए, एक साल में हमें इतनी कॉस्ट की मान लीजिए आपको 1000 करोड़ की आवश्यकता है, सेकंड फेज में आपको 3000 करोड़ की आवश्यकता, और थर्ड फेज में आपको 2500 करोड़ की आवश्यकता है, ठीक है। फाइनेंसिंग क्या क्या ऑप्शन है, मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंसिंग ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, स्टेट गवर्नमेंट और पीपीपी मॉडल, तीनों मॉडल के थ्रू ये अपन काम, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पीपीपी मॉडल। पोटेंशियल फंडिंग सोर्सेस क्या क्या है और उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें करना पड़ता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम फंड करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें थ्रू आउट द एक कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो उसकी रिकवरी भी हमें एक पर्टिकुलर टाइम पर हो जानी चाहिए, तो वो जो रिकवरी है मान लीजिए अगर वो यहाँ पर हो जाती है, जैसे ये इसकी एक फिक्स कुछ कॉस्ट है और ये इसकी इनिशियल रेवेन्यू है जीरो और वहां से वो बढ़ना चालू, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें उसका कॉस्ट जो है बेनिफिट दोनों बराबर हो जाएंगे और उसके बाद हम बेनिफिट में आ जाएंगे। तो जो पब्लिक प्राइवेट मॉडलशिप पे अपन, आपने देखे होंगे कि हाईवे बनते हैं वहां पर टोल लिए जाते हैं, तो उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है इम्पोर्टेंट होता है। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं इस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बना दूंगा। इम्प्लीमेंटेशन प्लान एंड टाइमलाइंस, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट टाइमलाइन, माइलस्टोन, रिसोर्स एलोकेशन, ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, प्रोक्योरमेंट ऑफ प्लान। तो प्लान जो है हमें WBS करना पड़ता है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, प्रोजेक्ट के टाइमलाइन और छोटे छोटे माइलस्टोन्स हमें बनाने पड़ते हैं, जो रिसोर्सेज है उनको अलोकेट करना पड़ता है, क्या क्या ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता है वो हमें तैयार करना पड़ता है, और प्लान का डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना पड़ता है। मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएटिंग प्लान, इंडिकेटर्स फॉर मेजरिंग प्रोसेस, हमें अलग अलग इंडिकेटर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे जो प्रोग्रेस हो रही है प्लान की उसके लिए, फिर उसके बाद बेस डेटा एंड टारगेट्स देखने पड़ेंगे, डेटा कलेक्शन एनालिसिस मेथड्स के बारे में जानना पड़ेगा, रिपोर्टिंग क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके बाद इवोल्यूशन प्लान क्या क्या है उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। रिस्क एनालिसिस एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, तो हमें क्या क्या रिस्क हमें वहां पर अवेलेबल है उसका एनालिसिस करना पड़ेगा और क्या क्या मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हमें देखने को मिल रही है ना। तो पहले आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क, जो जो प्रोजेक्ट के पोटेंशियल रिस्क है कि गाँव वालों को परेशानी हो सकती है, हाईवे डेवलपमेंट में, जमीन एलोकेशन में परेशानी हो सकती है, उन रिस्क का असेसमेंट करना पड़ेगा, उसकी मिटिगेशन के लिए स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करनी पड़ेगी और उस प्लान की कंटिजेंसी प्लानिंग करनी पड़ेगी। कंक्लूजन की बात करें तो प्रोजेक्ट के आउटकम, एंड अगर आप यहाँ तक पहुंच गए मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, समरी ऑफ प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। आई होप ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। Thank you so much.